mintra.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार सभी को, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दो तीन दिनों से काफ़ी बस चल रहा है कि धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर के जो गर्भगृह है उसके फर्श जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर हम वहाँ पर घी भी रख रहे हैं तो वो भी पिघल रहा है। अब क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है पूरा मामला, आइए चलिए बात करते हैं मंदिर के पुजारियों से और जानते हैं पूरा मामला। जय जगन्नाथ। गर्भगृह का पूरा फर्श गर्म नहीं है। गर्भगृह के एक उतरते जब हम लोग हैं उस सीढ़ी से जिसे उतरते हैं उसी जगह हल्का सा थोड़ा सा जगह माने एक फीट स्क्वायर वही थोड़ा हल्का सा गर्म है, जिसमें कि हम लोग 10-10 मिनट भी खड़ा हो सकते हैं, इतना गर्म है ना। 10 मिनट से भी ज़्यादा रुक सकते हैं, हल्का सा गर्म वहाँ हुआ है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। शुरू में तो हम लोग दो चार दिन अपने से देखे कि शायद कपूर उपूर गिर गया हो इसीलिए गर्म है, लेकिन जब पता लगा कि नहीं ये कपूर का धंधा नहीं है, हम लोग फिर इसका खबर कमेटी को किए। कमेटी वाले आया, देखे सुने, जो आगे का जो प्रोसेस है अपना करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कारण तो होगा ज़रूर जो हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग तो पंडित जी हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है? नहीं, हमको उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, तो हम क्या बोल देंगे उसमें। आप गरम हो गया है इतना हमको पता है, लेकिन क्यों गरम है तो हम नहीं बता पाएंगे। पूरा गर्भगृह गर्म नहीं है और उसमें ग्रेनाइट लगा हुआ है। गर्भगृह का निर्माण फिर से एक बार हुआ था, रेनोवेशन 1990 में जो पुराना मंदिर टूट गया उसके बाद तो फिर नया बना है। और 2000 में इसका जो है सो भगवान बाहर में थे, 1990 से लेकर 2000 तक, 2000 में उनको अपने आस्थान पर बिठाया गया है और इस सारी चीज़ जो है सो नया बना हुआ है, ये पता चला है। अब आगे मतलब आप लोग क्या करेंगे? अब तो कमेटी वाले खबर किए हैं, उन लोग पुरातत्व विभाग को चाहे जो वैज्ञानिक उस तरह के हैं उन लोगों को बुला के रिसर्च कराएंगे। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।